हौसले की क्या बात करते हो साहब, सारे फासले हमने चलकर ही तय किए हैं। नमस्कार, करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग मीटर ब्रिज और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स सीखेंगे। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, मीटर ब्रिज सिंपलेस्ट फॉर्म या एप्लीकेशन है वेटस्टोन ब्रिज का। ये वेटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन वाले प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन अभी थोड़ी देर में जब डायग्राम बनाएंगे तो बता देंगे। अगर थ्योरी की बात करें तो हमको यहाँ पर किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली डिटरमाइन करना है तो उसके लिए एक यूनिफॉर्म वायर लेना होगा। अगर एक यूनिफॉर्म वायर हम ले लेते हैं तो वहाँ पर रेजिस्टिविटी रो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कांस्टेंट हो जाएगा और तब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ। एक वुडन बॉक्स पे मेटलिक स्ट्रिप के हेल्प से दो गैप लेफ्ट और राइट बना लिए जाते हैं। दो एंड के बीच एक रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेच कर दिया जाता है और एक मीटर स्केल अटैच कर दिया जाता है। एक मीटर जनरली 100 सेंटीमीटर वाला ही मीटर पिच आपको मिलेगा, ऐसे लेंथ ज्यादा भी हो सकता है। पहले गैप के बीच एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया जाता है एंड दूसरे गैप, ये कोई भी हो सकता है लेफ्ट या राइट, उसमें अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है एक्स। मीटर ब्रिज के फॉर्म में आपको यही वुडन ब्लॉक स्ट्रेच करके मिलेगा। कनेक्शन के लिए एक एंड मान लीजिए इसको ए बोला गया है, यहां से एक सेल विद हेल्प ऑफ की कनेक्ट कर देंगे। की ऑन करने पे यहां पे करंट जाएगा और इस मिडिल पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर, एक टैपिंग की या जॉकी बोलेंगे, उसे करेक्ट कर लिया जाएगा। ये जहां पर टच हो रहा है इसको पॉइंट बी अगर मान लें और लास्ट वाले पॉइंट को सी मान लें तो ये मिडिल वाले एंड को डी बोलेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, वेटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो कैसे करता है इसका इक्विवेलेंट सर्किट एक बार आप ड्रॉ करके देखें। इक्विवेलेंट सर्किट में अगर आपने पॉइंट बी को ड्रॉ कर लिया, पॉइंट डी को ड्रॉ कर लिया और उसके बीच में जो गैल्वेनोमीटर है विद हेल्प ऑफ जॉकी मतलब टैपिंग की, ओके, दूसरी तरफ आप सी ले लो, इस तरफ ए ले लो, ए और बी के बीच में ये देखो यहां से यहां तक रेजिस्टेंस वायर है। इस सेक्शन ये नॉर्मल वायर नहीं है, रेजिस्टेंस वायर है। ये रेजिस्टेंस वायर कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का बना होता है जो बेसिकली एलॉय है। इस रेजिस्टेंस को अगर पी बोल दें, ओके, तो ए और बी के बीच में आपको जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो रेजिस्टेंस पी है। एंड बचा हुआ पार्ट का रेजिस्टेंस अगर हम फिलहाल क्यू मान लें तो बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो आपके लिए क्यू है। ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका रेजिस्टेंस आप आर एज्यूम कर लो, ओके, सो आर कनेक्टेड है और पॉइंट डी एंड सी के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स कनेक्टेड है। ए से सी तक सेम का कनेक्शन है विद द हेल्प ऑफ द की और ये बन गया पूरी तरह से वेटस्टोन ब्रिज। वेटस्टोन ब्रिज पे अगर डिस्कस करना हो तो मेरा प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 4 में आप देख सकते हैं, उसमें वेटस्टोन ब्रिज का सारा कुछ क्लियरली बताया हुआ है। अब
क्लियर है कि जो मीटर ब्रिज है वो रिजेंबल कर रहा है किसको, वेटेस्टन ब्रिज पे। और इस वेटेस्टन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन होता है वो P by Q is equal to R by X। फिलहाल हमको यहाँ पर जो लैब में एक्सपेरिमेंट करना होता है या थियोरेटिकल लिखना पड़ता है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। हमको रेजिस्टेंस दिख गया कि लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन AB की बात करें तो दैट इज इक्वल टू P, इट इज इक्वल टू फिलहाल या इट इज प्रोपोर्शनल टू हम LP लिख लेते हैं। और इसी तरह से रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन B टू C इज इक्वल टू Q प्रोपोर्शनल टू LQ लिख लेते हैं। ऑब्वियस है कि यहां पर अगर हम डिवाइड कर देंगे तो P by Q इज इक्वल टू LP by LQ। यहां पर देख लें ये P के कोरस्पॉन्डिंग में जो लेंथ था वो LP लिया था और Q के कोरस्पॉन्डिंग में जो लेंथ था वो LQ लिया था। अब ये जॉकी को हम स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड करने के बाद से एक बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट मतलब जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसे नहीं होगा ये भी जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां देख लेंगे। अगर ए पॉइंट पर रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अगर वन साइड होता है तो सी पॉइंट पर दूसरे साइड होगा। यानी इन बिटवीन कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जरूर जिस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो हो, मतलब गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर हो स्ट्रेट ऐसे रहे। गैल्वेनोमीटर का जीरो जो होता है बीच में होता है। तो अगर ऐसा है कि बी पॉइंट पे ही वो गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट शो कर रहा है, इफ बी इज नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट भी बोलते हैं इसको, तो वैसे केस में आपको अंडर बैलेंस कंडीशन जो मिलेगा वेटेस्टन ब्रिज में, ये कई बार डिस्कशन हुआ है कि P by Q is equal to R by X। इसको इक्वेशन नंबर आप टू मान लीजिए, कंपेयर कर लीजिए इक्वेशन वन एंड टू। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आपको यहां पर R by X is equal to LP by LQ। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूं। याद रखेंगे अगर इस फॉर्म में फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे ना तो न्यूमेरिकल बनाने में काफी सहूलियत होगी। ऐसे यहां से हम चाहें तो x इज इक्वल टू एल क्यू बाय एल पी इंटू आर लिख सकते हैं। अब यदि आप एल पी को l मान लें देन LQ, अगर ये 100 सेंटीमीटर वाला मीटर ब्रिज है तो 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगा। देयरफॉर X इज इक्वल टू 100 माइनस L बाय L इंटू R, एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। जब इस सर्किट से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे एक्सपेरिमेंट करने पे एक्सपेरिमेंटल एरर आएंगे। उस एक्सपेरिमेंटल एरर को मिनिमाइज करने का टेक्निक क्या है वो थ्योरेटिकली भी हम समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा उसी पार्ट पे मैं आपको बताऊं कि इस एक्सपेरिमेंटल एरर को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। 100 माइनस एल बाय एल इंटू आर, यहां मेजरमेंट हमारा एक्स का हो रहा है और दूसरा मेजरमेंट हमारा लेंथ का हो रहा है। एक्सपेरिमेंट में जो एरर आते हैं वो बेसिकली मेजरमेंट के बेसिस पे ही आते हैं। मेजरमेंट एरर इन मेजरमेंट आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसके हिसाब से अगर हम यहां पर डेल्टा एक्स वाई एक्स लिखें तो इधर क्या लिख सकते हैं, आर चूंकि रेजिस्टेंस बॉक्स ने रेजिस्टेंस दिया है ये एक कॉन्स्टेंट होगा। जितने रेजिस्टेंस का की या लैच आप बाहर निकालेंगे उतना ही रेजिस्टेंस को शो करेगा, इसलिए उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कांस्टेंट हो गया।
लेकिन लेंथ जो आप मेजर कर रहे हैं उसमें एरर आ सकता है, इसीलिए आप इसको अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एरर ऐसा लिख सकते हैं। अगर चाहें तो इसको थोड़े डेल्टा है लोअर लेवल पे लेके आइए तो d के टर्म में आ जाएगा इक्वल टू डी एल बाय एल प्लस डी 100 माइनस एल बाय 100 माइनस एल। ये डी एल बाय एल चूंकि 100 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, इसलिए माइनस डी एल बाय 100 माइनस एल। नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सिमा मिनिमा, अगर कोई चीज मिनिमम है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो फॉर अगर मिनिमम एरर लिखें आप तो डी एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे, मीन्स आपको ये जो डी एल बाय एल माइनस डी एल बाय 100 माइनस एल है तो जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो हुआ ओके तो ऑब्वियस है कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देन आपके पास ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू 100 माइनस एल, 2L इज इक्वल टू 100, एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। यानी अगर L जो आपने ले रखा है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास हो तो एरर की गुंजाइश मिनिमम होती है, एरर मिनिमाइज हो जाता है। इसलिए एक्सपेरिमेंट करने के समय कोशिश हमारी ये होगी कि हम बैलेंसिंग लेंथ को 50 के आसपास ही रखना पसंद करें। अब बात यह है कि अगर हम इस जॉकी को 50 पे ही फिक्स कर दें, अगर इस जॉकी को 50 पे ही फिक्स कर दें तो क्या हो, वेल एंड गुड, वैसे भी कर सकते हैं। अब उस केस में आपको रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस अरेंज करना होगा और ये अरेंजमेंट आप अपने से कर सकते हैं लेजेज निकाल करके। हो सकता है कि एग्जैक्टली 50 पे बैलेंस भी हो जाए और आपका अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन भी हो जाए, बट यहां पर एक ये भी बात है कि ये तभी होगा जब x का वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में होगा, क्योंकि जो भी रेजिस्टेंस बॉक्स होगा उसमें रेजिस्टेंस का जो की होता है 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 5 ओम 10 ओम इस तरह से होता है, तो वहां पर आपके पास फ्रैक्शनल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर फ्रैक्शन है तो बैलेंस होना मुश्किल होगा, वैसे केस में हमको दोनों ही पक्ष पे काम करना पड़ सकता है। और दोनों ही पक्ष पे काम करने का मतलब क्या है, एक तो हम इसका एडजस्टमेंट 50 के आसपास करके रखें और इसको भी एडजस्ट करें, दोनों के एडजस्टमेंट के बाद ये 50 के आसपास रहे और ये रेजिस्टेंस जो है x के कंपेरेबल रहे, तब आपका बैलेंसिंग लेंथ जो आएगा वो ऐसा आएगा कि उसमें एरर मिनिमम आएगा। और इसीलिए मैक्सिमम केसेस में ये बैलेंसिंग लेंथ 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर के बीच में ही लेना प्रिस्क्राइब्ड है। दोनों एंड पे जहां हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं वो लेंथ मेजरमेंट में एंड करेक्शन की जरूरत पड़ती है। और सब जगहों पे मैंने देखा कि इसको पार्शियल तरीके से बताया हुआ है, मैं कंप्लीट आपको बताना चाहूंगा। एंड करेक्शन की दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी, यहां जहां पर वायर टाइट किया हुआ है, यहां पर जो वायर रेजिस्टेंस का टाइट किया हुआ है उसकी कुछ वाइंडिंग होगी, अगर उसकी कुछ वाइंडिंग होगी तो उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ए एंड सी दोनों पॉइंट पे इक्वल वाइंडिंग हो, इसलिए जितना लेंथ यहां पर वाइंड अप है वो एलपी के साइड ऐड होना चाहिए और जितना लेंथ सी के साइड में वाइंड अप है वो इस तरफ ऐड होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये बताया कि अगर एंड करेक्शन की बात आएगी तो आर बाय एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आप एलपी बाय एलक्यू तो लिखोगे ही ओके,
लेकिन इधर से अगर वाइंडिंग में एक लेंथ सपोज कर लो ये ई है तो ई ऐड कर लेंगे, और इस तरफ से एंड में अगर आपके पास सेम है तो सेम ही ऐड करेंगे, और डिफरेंट है तो वो लेंथ यहां ऐड कर लेंगे। सेम पैटर्न पे जेई मेंस 2012 में एक क्वेश्चन आया था जहां पर इस लेंथ का एंड करेक्शन की बात थी। एक एंड करेक्शन और भी है यहां पर, ये देखो आपने जो स्ट्रिप यहां से यहां तक लिया या सी से लेकर के यहां तक लिया, फिलहाल मेटलिक स्ट्रिप ही क्यों, क्योंकि मेटलिक स्ट्रिप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, और यहां पर हम रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान करके भी चले हैं। तो अगर उसके रेजिस्टेंस को हमको कंसिडर करना पड़े तब क्या करना होगा ये हमको सोचना होगा। ओके देखो आप यहां पर अगर इस पार्ट का कोई रेजिस्टेंस है, सपोज करते हैं ये जो भी मेटलिक स्ट्रिप है उसका रेजिस्टेंस वाई यहां से, और इस तरफ का मेटलिक स्ट्रिप यहां पर वाई डैश है, वैसे केस में ये मेटलिक स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस है ए से डी तक के बीच में आर था और ये वाई इसके साथ है, इसीलिए आपके पास वो रेजिस्टेंस आर वाई आर प्लस वाई इधर कनेक्टेड होगा और एक्स के साथ इधर का स्ट्रिप का रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा, यानी आर प्लस वाई डैश इज इक्वल टू एल पी बाय एल क्यू। तो ये दो तरह के एंड करेक्शंस हैं, आपको देख लेना पड़ेगा कि किस तरह के एंड करेक्शन की बात क्वेश्चन में की जा रही है। अगर यहां तक बातें क्लियर हों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हो तो उसमें एक और बात ध्यान में रखना पड़ता है, जनरली हम एक ही गैप में रख करके अननोन रेजिस्टेंस को सारे रीडिंग ले लेते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल के बुक देख लेना उसमें सजेस्ट किया है कि दोनों एंड से लीजिए। दोनों एंड से लेने में क्या एक्यूरेसी आएगी कि एंड करेक्शन जो होना था वो मिनिमाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, ये रेजिस्टेंस एक्स है, ये 3 ओम है, इधर से जो बैलेंस करने का लेंथ मिला 40 सेंटीमीटर मिला और इधर का लेंथ 60 सेंटीमीटर है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने साफ बोला था कि रेजिस्टेंस और उसका कोरस्पोंडिंग लेंथ का रेशियो निकालिएगा, ये ज्यादा आसान आपके पास रहेगा। दोनों सेंटीमीटर है इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 3/60 × 40 दैट इज इक्वल टू 2 ओम, यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बहुत आसान क्वेश्चन था, इनपे प्लस कर रहा है और इसमें लेफ्ट गैप में 2 ओम राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस है। पहली बार में बताया कि बैलेंस पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे मिला लेफ्ट साइड से, तो यहां पर भी 2/40 इज इक्वल टू x by 60 रेशियो निकाल लीजिए, x आपको 3 ओम आ जाएगा। जब x का वैल्यू आ गया तो सिचुएशन बदला ही। सेकंड सिचुएशन में क्या बोल रहा है, 2 ओम तो था ही, ये x के साथ एक और रेजिस्टेंस 2 ओम का पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ओके यहां से आपके पास ये जो रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज x डैश वो निकाल लेंगे, x1 × x2 = 2 × 3/2 + 3 = 6/5 ओम। अभी फिर से बैलेंसिंग लेंथ कहां है ये पता नहीं क्योंकि सिर्फ पोजीशन आपको पता करना है, इसको l डैश मान लीजिए, ऑब्वियस है कि 100 माइनस l डैश हो जाए तो 2/l′ = 100 L′ = 6/5 100 − L′ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 10 100 − L′ = 6 L′, ये 10 × 100 − 10 L′ = 6 L′, ये
1000 इज इक्वल टू 16 एल डैश, एल डैश इज इक्वल टू 1000 बाय 16 सेंटीमीटर। आपका ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं होगा क्योंकि एल डैश है। आपको पूछा है शिफ्ट इन पोजीशन, तो शिफ्ट इन पोजीशन के लिए प्रीवियस जो था फाइनल का डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। आपको 62.5 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर, यही आंसर है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में सिचुएशन कुछ ऐसा दिया है जैसा डायग्राम में नोट किया हुआ है। इसमें एक साइड से 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस मिला, दूसरे साइड से 60 सेंटीमीटर। तो यहां भी R by 40 इज इक्वल टू S by 60 लिख सकते हैं। ऐसे केस में अगर हम चाहें R इज इक्वल टू 40 by 60 S मतलब 2 by 3 S लिख सकते हैं, इक्वेशन वन मान लें। इसी के क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में इधर R ही रहने दिया और इधर जो S था उसको 12 ओम से सेंटिंग कर दिया। सेंटिंग मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेना। और अगर ऐसा सेंटिंग किया है ऑब्वियस है कि एस डैश इसका इक्विवेलेंट जो होगा 12 इंटू एस बाय 12 प्लस एस आएगा। इस केस में बैलेंसिंग लेंथ जो दिया हुआ है वन साइड से 50 सेंटीमीटर, ऑब्वियस है अपोजिट साइड से भी 50 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो अभी आर बाय 50 इज इक्वल टू 12 इंटू एस बाय 12 प्लस एस बाय 50 करेंगे। ओके, ये 50-50 कैंसिल, आर का वैल्यू वहां से आप दे दीजिए 2 बाय 3 एस इज इक्वल टू 12 एस बाय 12 प्लस एस। इस एस दोनों को काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो आपके पास ये एस का वैल्यू 6 ओम आ जाएगा। और S अगर 6 ओम आ गया तो R इज इक्वल टू इक्वेशन में मेरे पुट कर दें 4 ओम आ जाएगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्लेस करता है। इसमें बोला है कि रेजिस्टेंस R जो है ऑलवेज राइट गैप में रहेगा एंड लेफ्ट गैप में जब R1 को कनेक्ट करते हैं तो बैलेंस पॉइंट 40 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ओके, आर टू से जब कनेक्ट करते हैं तो बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दोनों तरफ से हो जाता है। इस दोनों सिचुएशन से आप आर वन एंड आर टू को फाइंड आउट कर लेंगे। यहां से अगर आप आर वन बाय 40 लिखते हैं तो यहां आर बाय 60, दिस इंप्लाई दैट आर वन इज इक्वल टू 2 बाय 3 R। और यहां से अगर आप लिखते हैं R2 by 50 is equal to R by 50, this implies that R2 is equal to R। यानी इस सिचुएशन में आपने R1 और R2 R के टर्म में फाइंड आउट कर लिया है। अब जो इसके बाद क्वेश्चन का जो नेक्स्ट सिचुएशन बता रहा है उसको देख लीजिए। राइट गैप में तो हमेशा R पुराना था, यहाँ पर आर एस लगाने बोल रहा है। अगर आर एस आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज आर वन प्लस आर टू दैट इज इक्वल टू 5/3 आर हो जाएगा। इस केस में बैलेंसिंग लेंथ पता करना है, अननोन है इसलिए एल मान लीजिए और इधर से 100 माइनस एल। ऑब्वियस है जैसा आप कर रहे थे उसके हिसाब से आर एस बाय एल इज इक्वल टू आर बाय 100 माइनस एल। आर एस का वैल्यू 5/3 पुट कर लीजिए। पुट करने के बाद से आर को कैंसिल कर लीजिए और कैंसिलेशन के बाद से 500 इज इक्वल टू 8L आ जाएगा। L इज इक्वल टू 500/8, ये कुछ 62.5 के आसपास आना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में चेंज करने बोल रहा है कि आर एस की जगह पर पैरेलल कम्बिनेशन लगाने बोल रहा है।
यानी आर पी इज इक्वल टू आपके पास आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू ऐसा होगा। इसके हिसाब से ऊपर तो आपके टू बाय थ्री आर इंटू आर और नीचे फाइव बाय थ्री आर कैंसिल कर दिए तो आपके पास आ गया टू बाय फाइव आर। अभी नया बैलेंसिंग लेंथ एल डैश मान लीजिए तो उधर से हंड्रेड माइनस एल डैश हो गया यानी आर पी बाय एल डैश इज इक्वल टू आर बाय हंड्रेड माइनस एल डैश। आर पी का वैल्यू टू बाय फाइव वैल्यू पुट करने के बाद आर को कैंसिल कर लीजिए। आर को कैंसिल करने के बाद से ये फाइव एल डैश इज इक्वल टू टू हंड्रेड माइनस टू एल डैश इधर से सेवन एल डैश इज इक्वल टू टू हंड्रेड एल डैश इज इक्वल टू टू हंड्रेड बाय सेवन सेंटीमीटर जो आ जाए वो आंसर।